शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमने अपनी आंखों से देखा है, इन्होंने भरे बाजार हमारी भाभी को छेड़ा था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। क्या झूठ बोल रहा तुम? अब यही पीटेंगे तुमको। हवलदार पकड़ी दो। चलो बाकी की पार्टी हवालात में करेंगे। लड़की छेड़ रहे थे, 10 साल के लिए अंदर जाओगे तब पता चलेगा तुम्हें, वहीं पे चक्की पीसोगे। इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते, कुछ गलत कमी हुई होगी। चलो। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ है। शिवांश ऐसा नहीं कर सकता। दीदी तुम और कितना झूठ बोलोगी? हमने कुछ भी झूठ नहीं बोला है इंस्पेक्टर साहब, हम सच कह रहे। मम्मी देखिए ना क्या बोल रही है दीदी, समझाइए ना पुलिस को। इंस्पेक्टर साहब कोई गलत फहमी हुई, शिवांश ऐसा नहीं करेगा। ठीक है टल लिया है लड़का, गलत फहमी हो गई थी इसे, इसीलिए लड़की छेड़ रहा था। शमी आखिर हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। हाँ दुल्हन बताओ कुछ, क्या हुआ क्या है? हल्ले लेकिन आप नहीं ले जा सकते। देखिए आप लोग बीच में कोई कुछ मत बोलिए, वरना मुझे मजबूरन आप लोगों को भी ले जाना पड़ेगा। आप लोग जो भी बात करनी है चौकी पर आकर बात कीजिएगा। चलो आप आ जाइएगा, आपको स्टेटमेंट देना होगा। जी हम अभी आपके साथ पुलिस स्टेशन चलते हैं। मत लेके जा हमारे शिबू को। अरे कोई रोके तो सही, रुको। क्या तमाशा है, क्या मजाक है? हमने जो कुछ भी किया है शिवाज के भले के लिए किया है। भले के लिए किया है? तुमने उसको जेल भेज दिया, इसमें तुम भला ढूंढ रही हो शिवांश का? और कोई तरीका नहीं था यहाँ पर, सब बैठ के भी तो बात निपटा सकते थे ना। इसे देखा नहीं गया, हम दोनों एक हो रहे थे ना, इसे वो देखा नहीं गया। ये चलती है हमसे मम्मी, ये चलती है। स्वीटी श्रवणी ने ऐसा किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा, एक बार उसे बताने का मौका तो दो। बोलो श्रवणी क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ बताओ दुल्हन, क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो। माँ, अम्मा जी शिवांश किसी के बात सुने ही नहीं रहते, क्या करते? हम अलाद में रहेंगे, कम से कम शराब तो उनके हाथ नहीं लगेगी ना। बट शायद उनकी शराब की लत भी छूट जाए। शायद? क्या बात है अम्मा जी, शायद उनकी लत छूट जाए। इसने शायद के दम पर शिवांश को जेल ही भिजवा दिया।
अम्मा जी, एक बार हवालात या जेल का थप्पा लग गया ना, तो जिंदगी भर छुटाने से छूटेगा नहीं। और ये कहती है हम भलाई कर रहे थे शिवांश की, और किस यकीन के साथ ये बोल सकती है कि वो ये आदत छोड़ देगा? आप बोल सकती हैं, और आप जो वकालत करने खड़ी हैं यहाँ पर, बोल सकती हैं कि वो छोड़ देगा दारू? कह सकते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर बनने वाले हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि शिवांश की ये शराब की लत हम जड़ से मिटा सकें। थोड़ी सी कोशिश का असर और थोड़ी सी उन दवाइयों का जो हम शिवांश को देने वाले हैं, उन दवाइयों के जरिए 7 दिनों में शिवांश की इल्लत अपने आप छूट जाएगी। सच रमी, ऐसी दवाई है जिससे शिपू की शराब की लत छूट जाए? हाँ माँ, भरोसा रखिए, ये दवाइयाँ खास नशाखोरी से लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सिर्फ मरीज को 7 दिन तक नशे से दूर रखता है, और हवालात में शिवांश को कोई नशा नहीं मिलेगा, न शराब न किसी प्रकार का कोई नशा, और हम उन्हें ये दवाइयाँ देंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि उनकी लत छूट जाए, इसीलिए हमने ये किया। और रही बात शिवांश पर लगे धब्बे की है, तो 1 हफ्ते बाद हम खुद अपना केस वापस ले लेंगे, जिसके बाद वो बाइज्जत बरी होकर आ जाएंगे घर। लेकिन 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 कुछ नहीं, दुल्हन ने जब कहा है तो वो शिवू को ठीक कर देगी, तो वो ठीक कर देगी। अम्मा जी ना कर पाई तो इधर आ श्रवणी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ना कर पाई तो करोगी भुगतान? भुगतान आप चाहती क्या है? हम चाहते हैं कि अगर तुम अपनी बात पूरी ना कर पाए तो अगले 7 दिन तुम जेल की हवा खाओगी। और अभी के अभी लिख कर दोगी कि तुमने शिवांश पर गलत इल्जाम लगाया। बोलो, मंजूर है कि नहीं? लिखोगी कि नहीं, बोलो? ये कैसी शर्त है? ये शिवांश की मदद कर रही है, आपको इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम तो चुप ही रहो, मदद कर रही है या अपना कोई उल्लू सीधा कर रही है? बोल, शर्त मंजूर है? या तो शिवांश दारू छोड़ेगा शायद, या तो फिर तुम जाओगी जेल 7 दिन के लिए। अगर तुम्हें इतना यकीन है तो फिर मान लो ये शर्त। ठीक है ताई जी, हमें आपकी शर्त मंजूर है। शमी, ये क्या बोल रहे हैं? ताई जी, आपकी ये शर्त हमें मंजूर है। हेलो जी प्रोफेसर व्यास, हमने आपको बताया था ना
इस केस में पेशेंट की हिस्ट्री ज्यादा पुरानी नहीं है। हमने खुद स्टडी किया है पेशेंट का पैटर्न। देखिए, इस पेशेंट की सारी डिटेल्स हम आपको ईमेल कर देंगे, आप एक बार पढ़ लीजिए और फिर हमें रिवर्ट कीजिएगा। बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। चलिए, क्या तरीका है? क्या जरूरत है तुम्हें हर बार चंद्रा जी की बात माननी? पहले कठपुतली, फिर डांस और अभी जेल वाली सजा। जरूरी था, उनका मुंह बंद करवाने के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। शिवांश 7 दिनों में ठीक हो जाएंगे और करना ही होगा, पूरी कोशिश कर रहे हो। तुमने देखा नहीं रोहित, कैसे स्वीटी और ताई जी के एतराज करने के बावजूद भी अम्मा ने हमारा साथ दिया सबके सामने। रोहन, घर पे सबकी उम्मीद हम पर टिकी है और हमारे पति होने के नाते कहीं ना कहीं वही उम्मीद हमें तुमसे भी है। और ये मत बोलो कि शिवांश की ही जान बचाने के लिए हमने तुमसे शादी की थी। और हमने तुम्हें बचाने के लिए इन लोगों से तुम्हारे एक बेहतर भविष्य के लिए मानते हैं कि तुम लगातार हमारे भविष्य के लिए सोच रहे हो, पर हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। लेकिन रोहन, यही फर्क है ना हमें और शिवांश में। अगर यही आंसू शिवांश की आंखों में होते तो उसे तुम खुद पूछते, हमें रुमाल दे रहे हैं। सॉरी रोहन। आज नहीं तो कल तुम्हें यही आना है हमारे पास, फिर देखना उस शिवांश के आंसू पूछने के लिए तुम तो क्या कोई भी नहीं होगा। रोहन, रोहन, आपकी मनपसंद सब्जी बनाकर लाए। जी बीवी जी। भाई, आपके यहाँ से खाने का तो स्वाद ही अलग है। आपको तो हमें ना बहुत पहले ही अंदर करवा देना चाहिए था। देखिए ना, हमारे मिलने के लिए इससे अच्छी जगह हो नहीं सकती, और यहाँ किसी को शक भी नहीं होगा। आप ही ना। अच्छा, बहुत दिनों से हमें आपसे कुछ कहना था। बोलिए। हाय। लव। श्रवणी को आई लव यू बोल रहा था, गले लगा रहा था। श्रवणी ना पक्का हमसे बदला ले रही है। अब देखना, वो ना शिवांश को हमसे छीन कर ही मानेगी। कुछ कीजिए ना मम्मी। और लो तुम श्रवणी, श्रवणी का नाम, उसका नाम जपो। सॉरी दीदी, सॉरी दीदी, हमसे ज्यादा भरोसा था तुमको उस पर।
हाँ? जो माफी मांगने पहुंच गई, मम्मी हमसे गलती हो गई है, अब तो आप ही कुछ कर सकते हो, कुछ करो मम्मी, कुछ करते हैं। शिवांश की शराब छूटे ना छूटे, पर इसको हवाला तो हम भेज के रहेंगे। मम्मी शिवांश का शराब छूटना भी तो जरूरी है ना, उसका ठीक होना भी तो जरूरी है। शिवांश ठीक हो गया तो श्रवणी जेल कैसे जाएगी? पहले तुम तय कर लो कि शिवांश का शराब से दूर रहना जरूरी है या श्रवणी से। ये रही डॉक्टर शिखावत की दवाई। हमारी पूरी कोशिश है कि शिवांश जल्दी से ठीक हो जाए। उम्मीद रखते हैं इस दवाई से शिवांश की शराब की लत छूट जाएगी। शिवानी बेटी, शिबू इस दवाई से ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ माँ, हमारी पूरी कोशिश है कि शिवान जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अच्छा माँ, हम चलते हैं। ठीक है, तुम जाओ और संभल के जाना। जी। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? वो शिवांश को खाना देने। लाओ ये खाने का डब्बा हमें दो। शिवांश को खाना देने हम जाएंगे, क्योंकि शिवांश की पत्नी अब हम हैं। इतना तो कर ही सकते हैं ना? बात है, इतनी सिधाई से छोड़ दिया। शिवांश और स्वीटी के बीच में से हटने का इरादा लग रहा है तुम्हारा? अब तुम मां बेटी की तसल्ली हो गई ना? ये दुल्हन शिबू से नैन मटक का नहीं करने जा रही है, उसका उसे काम करने दो। ले लो। लेकिन अम्मा जी, खाना ही तो खिलाना है, हम भी ले जाकर खिला सकते हैं शिवांश को। तुम्ही थी ना उस दिन बड़े बाजार में, जब वो तुमको चकमा देकर पीने चला गया। मानते हैं तुम पत्नी हो, डॉक्टर तो नहीं हो जाओगी? अभी शिबू को प्यार की नहीं, इलाज की जरूरत है। लो दुल्हन, हमें पूरी उम्मीद है तुम्हारी दवाई से शिबू ठीक हो जाएगा। हमारा दिल कहता है तुम ही उसे सही सलामत घर लाओगी। जी अम्मा, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है दुल्हन, जा तू। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आप नहीं होते तो ये सब मुमकिन नहीं हो पाता। हम पुलिस वाले भी तो इंसानी हैं, अच्छे कामों के लिए हमेशा जनता के साथ होते हैं। आपने जब अपनी पूरी बात बताई और उसे गिरफ्तार करने के लिए कहा तो हमने उसे कर लिया। क्या हाल है? फिलहाल नशा उतर चुका है, अभी तो शांत है। जी तो बहुत ही अच्छी बात है,
अब कहें तो हम ये खाना खिला दे। शुक्रिया। शिवराम जी सर बोलिए। ये चाबी लो, लॉकअप खोल दो। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। ओके रेडी हो जा, चलो। आइए मैडम। शिवांश खाना लाए। शिवांश ऊपर बैठिए ना। शिवांश खाना खा लीजिए। निमोना हमारी पसंद आपको अभी तक याद है? वो माँ ने बनाया है। झूठ बोलना नहीं आता आपको, कल भी आपने झूठ बोला था। हम जानते हैं कि आपने हमको यहां क्यों बंद करवाया। हमारी शराब छुड़वाना चाहती है ना? इस खाने में भी आपने जरूर कोई दवा मिलाई होगी हमारी शराब छुड़वाने के लिए। फोन आपके पास क्या कर? वो जो शराबी था ना, जिसको औरत खाना खिलाने आई थी, वो जेल से भाग गया। शिवांश आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।